cara grande. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर पर और यहाँ पर जो है ना ब्रिज का काम जारी है, जो कि बहुत ही मजबूत किस्म के पिलर जो है ना खड़े हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है ना सरिये का काम जारी है, फिर इसके ऊपर बीम रखे जाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है ना गार्डर जो भी है ना वो रखे जाएंगे। उसके बाद जो है ना ये काम तेज़ी से शुरू हुआ और तेज़ी के साथ ख़त्म होने को है और बहुत ही मजबूत किस्म का सरिया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक तकरीबन डेढ़ इंच का नज़र तो आ रहा है मुझे, डेढ़ से दो इंच का। तो ये थी सूरत हाल यहाँ की। यह कितना मोटा सरिया है? अच्छा जी, ब्रिज की तामीर का काम जो है ना तकरीबन रेडी के मरहले में है। बीम लगने के बाद जो है ना ये इसके ऊपर रोड कारपेटिंग का काम शुरू होगा। तो ये थी सूरत हाल दोस्तों इसकी गुलिस्तान जौहर पे फ्लाईओवर की। ये रही, ये है दोस्तों गुलिस्तान जौहर का खूबसूरत तरीन ब्रिज और मजबूत तरीन ब्रिज, जो कि यहाँ की जो ट्रैफिक का जो निज़ाम था, जो सूरत हाल थी, जो रश लगा रहता था, जो जैम रहता था ट्रैफिक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके यहाँ पर जो है ना एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है गुलिस्तान जौहर में। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो सही हो जाएगा, जो लोगों को परेशानी है वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी मजबूत किस्म का ब्रिज बनाया जा रहा है और अंडरपास भी शायद बनेगा यहाँ पर। तो अंडरपास की मेरे पास कोई ख़बर तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि अंडरपास भी कहते हैं कि अंडरपास भी यहाँ पर बनेगा। और अभी यहाँ पर मज़दूर जो है ना अपना काम कर रहे हैं, जो पिलर है पिलर के ऊपर जो बीम लगाते हैं, बीम से पहले जो है ना वो जो सरिया है उसको जो है ना फिट कर रहे हैं। फिटिंग के बाद जो है ना इसके ऊपर कंक्रीट का मटेरियल डालकर तो इसको दीवारों को खड़ा किया जाएगा। दीवारों को खड़ा करने के बाद जो है ना इसके ऊपर बीम रखे जाएंगे। और बीम, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है दोस्तों। अच्छा, बीम रखे जाएंगे, बीम के बाद जो है ना फिर इसके ऊपर जो है ना जैसे हम लोग आजकल उसकी नया नाजामाबाद जो ब्रिज वहाँ पर जो बन रहा है कलंद्रिया चौक से कलंदिया चौक की तरफ जो ब्रिज बन रहा है, जैसे कि वहाँ पर ब्रिज बन रहा है उसी तरह का यहाँ पे भी ब्रिज बनेगा। और दोनों ही ब्रिज जो है ना काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी परेशानी जो ट्रैफिक की थी वो सारी दोनों की हल हो जाएगी। तो वहाँ की भी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना आपको जो है ना एक छोटी सी अपडेट दे दी जाए कि कितना काम हो गया है, क्योंकि हम तो शुरू से लेकर एंड तक जब तक कि वो कोई चीज़ कम्प्लीट ना हो जाए हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है ना छोटी छोटी सी अपडेट लाजमी देते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में भी रहे कि अब कितना काम हो गया है, अब कितना काम हो गया है, अब कितना काम हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल इसलिए हम बताते हैं क्योंकि बाहर के देखने वाले लोग मेरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनको जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक पहले तो उन्होंने जो है ना जब हमने दिखाया था तो उस वक्त ज़मीन थी, जब वो यहाँ पर जो है ना गड्ढे खोद रहे थे तो पिलरों के लिए जो है ना पाइलिंग टेस्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ की सूरत हाल हमने बताई, फिर उसके बाद आगे की बताई, फिर उसके बाद आगे अब ये पिलर लग गए, बीम लग गया, देखो सामने बीम भी नज़र आ रहा है आपको, बीम भी लग गया है। तो जब इसके ऊपर छत लगेगी, छतल के बाद जो है ना फिर इसके ऊपर रोड का मटेरियल डलेगा, फिर सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा और सफाई सफाई हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही ना, तो सफाई सफाई होने के बाद फिर हम इसके ऊपर आपको सफ़र भी करके दिखाएंगे कि इसके ऊपर जो सफ़र हमने करना है कि यहाँ से कहाँ से हमने जो है ना ये जाता है, चढ़ता है और उतरता किस जगह पर है, तो ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएँगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग जो है ना ये जौहर चुरंगी के ऊपर जो है ना मेरे ख्याल से कामरान चुरंगी कहते हैं, या कामरान चुरंगी थोड़ी आगे है, तो ये फूल वाली चुरंगी कहते हैं मेरे ख्याल से इसको ना, तो ये जौहर चुरंगी ही कहते हैं। जौहर मोड़ तो पीछे है जहाँ पे जो है ना डालमिया की तरफ से आ रहा है रोड, तो वो जौहर मोड़ होता है और ये जौहर चुरंगी कहलाती है। तो यहाँ पर ये देखिए सामने भी काम हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। फ़िलहाल ट्रैफिक जाम है, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।